साथ साक्षी। खबर रीवा जिले से है, जहां लगातार गौवंशों की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार पुलिस ने कार्यवाही की, लेकिन इस अवैध कारोबार को बंद कराने में सफल नहीं हो रही है। अभी दो दिन पहले ही समाज सेवियों ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछिया में जगन्नाथ मंदिर के पीछे बहने वाले नाले से जानवरों के अंग बरामद किए थे, जिसमें दो व्यक्तियों के नाम सामने आए थे, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं एक बार फिर स्थानीय लोगों की शिकायत पर समाज सेवी और पुलिस ने पंचमठा स्थित एक घर में सबिस दी, जहां एक दर्जन से अधिक जानवरों को बंद किया गया था। पुलिस के पहुंचने की जानकारी लगते ही परिवार के लोग घर छोड़कर भाग निकले। माना जा रहा है कि यहां जानवरों का काट कर मांस की बिक्री की जा रही थी। आप भी देखिए पूरी कार्रवाई और सुनिए परिवार के लोग ने क्या जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीच शहर में इस तरह का कारोबार किया जा रहा है और किसी को भनक नहीं लगती। यह कारोबार कब से चल रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि समाज से रूपा सिंह और सरस्वत सिंह को जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे थे। घर को सील कर दिया गया है, सुबह कार्यवाही होगी। आपके हस्बैंड का पूरा नाम बताइए। सबीना बेगम। आप खान लिखते हैं? नहीं बोलते जाइए, नाम वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। और बोलिए, बच्चे कौन और रहता, लड़का लड़का कोई? लड़के हमारे दो हैं। कौन से, क्या नाम बोलिए? राहिल खान। और आगे? राहिल खान। और दूसरा लड़का? जो भी खड़ा था। उमर क्या कर रहे हो यार, शर्म आती है, क्यों बांधे हो, छोड़ दो चरे। अरे इनकी रूपा, व्हाट आर यू थिंकिंग, समझ में तो सबके आ रहा है, जितने लोग खड़े हैं ना सबके बुद्धि में इतना समझ में आ रहा है, चूतिया कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए इस तरीके से बैलों को बांध कर रखा गया है यहाँ पे, और आज की डेट पे यहाँ पे कोई बैल नहीं बांध सकता, पाल सकता। देखिए ना, किसी के कान में टैग भी नहीं है। कुछ खाना भी खिला के देखो ना रूपा, तो ये लोग खा लेंगे सब। ये नोट कर लो कि ये खा, ताला के अंदर रहे आप, भला ये जानवर कहीं नहीं जाना चाहिए। मैडम एक दो ताला लग गया है, तीन उधर है, समझ गए ना, छह छोटो सा, चार पांच छह, ठीक है। मैडम मैं क्या सोच रहा था, अगर बोले यार तीन फैमिली है, चलो ताला मत मार, ठीक है। आज की डेट पे यहाँ कोई बैल, ये सब, ये सबको काटने के लिए रखे हैं सर, ये सारे बैल पाले हैं आज। ये भी बैल है, ये भी बैल, ये भी बैल है, एक दो तीन चार, क्यों चार चार बैल, कौन चूतिया समझते हैं लोग। आज की डेट पे ये बैल पाले। अच्छा ये बताओ कौन सी गाय तुम्हारे सामने खींच के लाए थे ये लोग? ये वाला बैल को खींचे हैं तुम्हारे सामने ये लोग? हाँ, ये तो खून, ये तो पीछे पीछे है, तो गाय कौन सी है? गाय ये है क्या, सभी गाय भी थी, कोई वेटरनरी मिलेगा? गाय वो है पीछे वाली, नहीं आगे, ये है गाय थी, बंदा बंदा सब देख रहा है। तो जरा भाई को बुलाओ, जरा पालेगा सर कोई, आप देखिए और आप जानिए। एक दो तीन मूसा चारा खिलाते हो? हां हफ्ते 10 दिन बाद भी चेक करना दे रहे थे। ये इतने सारे बैलों को खिलाने के लिए इतना सा भूसा लेके आए हैं, आज ही खत्म हुआ। हाँ अच्छा, अच्छा तुम्हारा खत्म कहाँ रखते हो भूसा, ये भी तो दिखा दो ना, कहाँ खत्म हुआ था? यही बनाए, यही भूसा भूसौला बनाए हैं, और यहीं पे ये 6 बैल पाले हैं। हमारे गांव में 100-100 एकड़ के जमींदार नहीं पाल पाए बैल, और ये यहाँ पे इतनी सी बस्ती में यहाँ पे बैल आ पाले हैं। ध्यान से देखिए, अच्छा यही वाला वो बैल था ना, यही वाला वो बैल था। आटा डालती हो? इनके घर में सभी लोग भाग चुके हैं, कोई भी आदमी नहीं है। अब ये बताओ रुपए इनका हो